ये कलयुग है, यहाँ केवल आधारा नाम प्रभु का है। ये कलयुग है, यहाँ केवल आधारा नाम प्रभु का है। जपे हनुमान सीताराम, सारे काम हो जाए। इनको तो कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझे आ जा रहा, तो चारों युग में विद्यमान है, वर्तमान में बिल्कुल साक्षात, कलयुग के साक्षात देवता तो यही है। आपकी जो भी परेशानी हो, कामना हो, वो बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। यदि भगवान राम को प्राप्त करना हो तो कहते हैं हनुमान जी की सेवा कीजिए, और हनुमान जी की प्रसन्नता चाहिए है तो भगवान राम का नाम जपिए। अगर इनको प्रसन्न करना है तो इनके सामने जितना संभव हो सके सीता राम का जाप करना चाहिए। इन महानतम कलयुग में भी प्रकाट जिनका माना जाता है, जिनकी जयंती मनाई जाती है, और जिनके स्मरण मात्र से ही वह सर्वथा विद्यमान पाए जाते हैं। कपि श्रेष्ठ के तौर पर हनुमान जी माने जाते हैं और कपियों के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। कलयुग में हम देखते हैं कि किसी भी देव स्थान पर जब हम जाते हैं तो कपियों का एक जमावड़ा होता है, और ऐसा हम मानते हैं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं कि उन कपियों के स्वरूप में हनुमान जी का अंश होता है। लेकिन आखिर हनुमान जी स्वयं किसके अंश हैं, स्वयं किसके अवतार हैं, इन सारे विषयों को लेकर के, इन सारी चीज़ों के तथ्यात्मक और प्रामाणिक रूप में हम कैसे बातें करते हैं, क्या प्रामाणिकताएँ हैं इन चीज़ों की, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजरंग बली का जो जन्म हुआ है तो उनके जन्म को लेकर के जो तिथि और जो समय काल रहा है वो क्या था। सबसे पहले जय श्री राम सभी दर्शकों को और जय हनुमान। शुक्ल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उनका भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म है चैत्र की पूर्णिमा को, इनका जन्म हुआ है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि जो अपनी भक्ति की शक्ति से उच्चतम देव स्थान को प्राप्त किया जिन्हें, और ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णित है कि सतयुग में भगवान श्री विष्णु जो कि भगवान शिव के परम आराध्य हैं, उनने उनका मोहिनी स्वरूप देखा समुद्र मंथन के समय। वो स्मृति उनके दिमाग से निकल नहीं रही थी, बार बार उस मोहिनी छवि को देखने की उनके अंदर इच्छा थी, और उनने जो है भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें पुनः मोहिनी रूप का दर्शन कराएं, और मुझे जो है 11वें रुद्र के रूप में अंजनी माता के गर्भ से जन्म लेना है, तो आप उसमें सहायता प्रदान करें। और एक जन्म और इनका मनाया जाता है दीपावली के समय चतुर्दशी को इनका जन्म। वो जन्म यही है जब इनको वज्रपात हुआ था इंद्र के द्वारा, और उस दिन ब्रह्मा जी ने इनके अंदर प्राणों का संचरण किया था, तो कहते ना लौट के जन्म हुआ, पुनर्जीवित। एक जन्म वो भी मनाया जाता है इनका, वो पुनर्जन्म वाला है, लेकिन जो वास्तविक जन्म हुआ है इनको चैत्र की पूर्णिमा, जो हम हनुमान जयंती के नाम से मनाते हैं।